नमस्कार बहुत स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर ट्वेल्व पर और आपके साथ अगले एक घंटे के इस सफर में मैं याशु गांधी हमारा ये एक घंटे का जो सत्र है वो है लाइव फोन इन इंट्रैक्टेड सेशन इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं कहाँ कब और कैसे आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास ट्वेल्व के बच्चों के लिए चैप्टर टू है और जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस स्टडी जिसका जो टप टॉपिक है सब टॉपिक है वो फ्यूअल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और इसे आपको विस्तार से बताने और समझाने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं हमारे साथ हैं मैम जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो है श्वेता रिखी मैम मैम दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका गुरुग्राम से यहाँ आई है आपको बताने और समझाने के लिए मैम गुड आफ्टरनून एंड वेरी वॉम वेलकम टू यू इन द सेशन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन एंड इट्स अ ट्रूली अ प्लेजर टू बी हियर एंड यू नो शेयरिंग वॉट एवर आर माई थाट्स एंड वॉट एवर आई नो अबाउट फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो बिल्कुल तो मैम से हम विषय के बारे में विस्तार से पढ़ें और समझें उससे पहले बता दें कि चूंकि ये लाइव इंस्ट्रक्टिव सेशन है अगर आपके पास हमारे फ़ोन नंबर मौजूद नहीं हैं जो कि होंगे या होने भी चाहिए अगर पेन डाउन नहीं है सेव नहीं है तो लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उनको सेव करिए और मैम से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल कोई भी क्वेरी है तो वो आप सेशन के दौरान पूछ सकते हैं इसके अलावा हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी आपको फीडबैक देना हो कोई बात कोई राय साझा करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं लगातार स्क्रीन पर हमारा जो ईमेल का पता है वो भी दिया जा रहा है तो बढ़ते हैं आगे क्लास ट्वेल्व है तो अपने जो नोट्स uh, हैं वो बनाने की आदत आपको होगी ही तो आपके नोट पैड्स और आपका पेन और पेपर आपके साथ होगा तो चलिए करते हैं शुरुआत मैम ओवर टू यू थैंक यू so let us start with this uh, we have Fayol's principles of management but usse pehle I think hame pata होना chahiye principles of management hota kya hai so principles of management are basically the broad guidelines इसमें कुछ जैसा बड़ा specific नहीं बताया था कि कैसे करना है management को कैसे कोई decision लेना है but एक broad guidelines है general propositions है कि कैसे Uh, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा जब कोई मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती तो कैसे व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन विच द डिसीजन विल बी टेकन एंड आई वुड लाइक टू दैट देर इज़ अ वेरिएशन इन द एप्लीकेशन वेरिएशन द एप्लीकेशन मीन्स दैट द प्रिंसिपल्स आर नॉट हार्ड एंड फास्ट दे माइट वेरी एक मैनेजर इसको एक तरह से यूज करता है और दूसरा मैनेजर Uh, शायद एक अलग तरीके से इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन होती है जैसे एक मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है मैनेजमेंट सोचे कि प्रमोशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट जो अच्छा करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की मैनेजमेंट माइट थिंक कि प्रमोशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही करना है बहुत ही फ्लेक्सिबल है दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लैक्सिबल साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट होते हैं अगर एक बार कोई प्रिंसिपल बन गया तो हमेशा सेम प्रिंसिपल विल भी फॉलोड बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है और इसका रीज़न क्या होगा हमें पहले ये समझना चाहिए क्यों फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो डील करते हैं ह्यूमन बींग से राइट right? ह्यूमन इम्प्लॉज़ आर देर सो नॉ एन द इम्प्लॉयज़ आर देर अब ह्यूमन नेचर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल आप कभी भी नहीं जान सकते कि ह्यूमन बींग uh, कैसे रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन में hmm. तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है जैसा जैसा सिचुएशन का ज़रूरत होगी वैसे वैसे ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सीबल होंगे लेकिन ब्रॉड गाइडलाइन ज़रूर है एंड ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से हैं ये कहाँ से डेवलप हुए हैं ये ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंटेशन सेव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दीजिपलॉजी राइट राइट वी नो दैट द्यूमन बिहेवियर कैन नेवर बी कॉन्स्टेंट इवन अ पर्सन हुईज तो वो भी कभी कभी वी कैन सी देश तो इसलिए प्रिंसिपल्स भी फ्लेक्सीबल है अनलाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सो अभी लेटर्स मूव टू बिल्कुल मैम द नेक्स्ट हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेनरी फ्योल पहले हम फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल कौन है सो हु इज हेनरी फ्योल ही इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे And uh, you can see the date of birth and death and the date of death also on the screen. And he gave the 14 principles of management originally in 1917 in a book which was written in French, but later on, this book was published in English also. Um, and the name was General and Industrial Management. So this was published in 1949. So now that we know about Henry Fuel, let us move to the principles of management you can see on the screen that we have 14 principles of management so we will be delving into all these principles one by one so let us start with the first one which is division of labor or division of work so we can see in the picture very clearly that there is an organization just made different departments eh? you can see here marketing department is there finance department is there sales department is there, so why so many departments? Why the uh, you know work cannot be done uh, together as a unit? Why to uh, bifurcate the work into departments? Because when we do the work uh, by dividing the work, so a person who is doing in uh, something in marketing and continuously doing the same thing year after year, so obviously that person will develop a, an expertise. एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो ऑब्वियसली आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और जब एक्सपर्ट होगे तो इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन और अगर आप सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज स्पेशलाइज्ड है अपनी एक्टिविटीज में स्पेशलाइज्ड है अपने वर्क में तो द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल विल बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल दे विल बी फ्लरिशिंग बिल्कुल ग्रोथ करेगी और जो पर्सनल जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं एज एन जिसे कहते हैं सिंगल इकाई के तौर पे तो उनकी भी ग्रोथ होगी राइट राइट राइट

And in case responsibility is given and there is no authority given koi power, so this case mein responsibility will go wasted because it will be meaningless. If you don't have the power, how can you expect somebody to do some task? Like for example, I'll just give you a simple example. In case a project manager has been given a task, given a responsibility, I would rather say, to complete a particular batch of production in uh, let's say 30 days. Now up responsibility they that 30 days can the task should be accomplished, but the authority that uh, uh, he, he can you know uh, order for the raw materials whenever required or he can um, you know um, ask for the human, uh, you know, human power or the staff as per his own requirement. So if that kind of authority is not given, so responsibility cannot be fulfilled. So, we can say that authority without responsibility leads to its misuse and responsibility without authority is meaningless. So, it is always required that a balance should be maintained, authority or responsibility mein ek balance maintain hona chahiha, and yahi hai we all ka second principle. After this we have the third principle which is discipline. अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है नॉर्मली स्कूल में भी हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए बच्चों को सो so, डिसिप्लिन का मतलब है कि कोई सेट रूल्स हैं स्कूल के उनको फॉलो करना सेम गोज इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। डिसिप्लिन वुड मीन ओबीडियंस टू वाट एवर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स आर बींग फ्रेमड जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हो उनको फॉलो करना बट इसका मतलब तो ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉज ही फॉलो करेंगे ठीक है ये दिस इज़ टू साइडेड In this case, the employees are also following the rules and regulations, and whatever commitment has been given by the management, whatever commitment has been done through the management towards the employees, even that needs to be honored. So donho ki say discipline is important. Management should also be involved, and the employees should also be involved while practicing discipline. So, according to fuel, effective dis discipline necessitates. कॉम्पिटेंट लीडरशिप एट एवरी लेवल ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल अग्रीमेंट्स क्योंकि अगर अग्रीमेंट्स ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उनका क्योंकि इम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए वो कहाँ साइन कर रहा है क्या प्रोसीजर्स हैं और उसको क्या फॉलो करना है ही शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दैट एंड पेनल्टीज वैन वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन तो पेनल्टीज की भी बात होती है क्योंकि अगर कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए मे बी टू समस्टेंट Right, but in case everybody is in discipline, so penalties will not be required. So very thoughtful application of penalties might be there. Now, I hope we are getting, you are all getting through uh, the principles that we have just discussed. humne teen principles कर लिए. Now let us move to the next principle which is unity of command. Now, मैं कुछ बोलूँ. इससे पहले मैं चाहूँगी, मैम, अगर आप ये दो pictures देख रहे हैं, यहाँ पे एक में cross है और एक में tick mark लगा है. आप okay. बता सकते हैं क्यों क्रॉस या क्यों टिक मार्क होगा सो एज़ एन क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट मैं अभी आपके क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट हूँ <coughs> तो uh, मैं अगर समझ पाऊँ तो आई थिंक यहाँ पे चूँकि हम कमांड की बात कर रहे हैं तो जिसमें राइट right क्लिक है उसमें सिंगल लीडर है और सिंगल पर्सन से जो इंस्ट्रक्शंस और कमांड है वो मिल रहे हैं और uh, पिक्चर के अकॉर्डिंग शायद अगर दो लोग या एक से ज्यादा लोग कमांड या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है जितना मैं समझ पा रही हूँ मैम आप एग्जैक्टली exactly बिल्कुल सही समझ पा रहे हो आई एम इम्प्रेस जस्ट बाई लुकिंग एट द पिक्चर्स यू हैव गिवन यू नो एग्जैक्टली वॉट इज रिटन इन दिस यूनिटी ऑफ कमांड सो यूनिटी ऑफ कमांड एग्जैक्टली मींस द सेम थिंग दैट वॉज डिपिक्टेड इन दीज टू पिक्चर्स अगर आपका एक बॉस है आपको एक जगह से इंस्ट्रक्शंस मिल रही है तो ऑब्वियसली आप अपना काम बेहतर कर पाएंगे लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल लोगों से मिल रही है एंड ऑफन इट माइट हैपन कि अगर मल्टीपल लोगों से मिल रही है तो एक इंस्ट्रक्शन कुछ और है और दूसरी इंस्ट्रक्शन कुछ और है तो अब इस केस में इम्प्लॉय विल गेट कन्फ्यूज कि फॉलो क्या करना है क्योंकि अगर एक को फॉलो कर सकते करते हो तो हो सकता है दूसरा द अदर बॉस माइट गेट अनॉयड सो दैट इज़ अ वेरी क्योर्टिक काइंड ऑफ और कन्फ्यूजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन

this is a unity of command and we can very well make it out in uh, school also in case some teacher gives you some work and another teacher gives you यू नो सम वर्क विच इज कॉन्ट्रेरी टू वट वॉज गिवन टू यू बाय द फर्स्ट टीचर सो यू विलफ्यूज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और उस समय इस पर घरों में भी होता है कि अगर पेरेंट्स से अलग अलग कमांड मिलते हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हमारे साथ जुड़े <laughs> हुए हैं तो बच्चे <laughs> कन्फ्यूज हो जाते हैं की मम्मे कह रही है और पापा ये कह रहे हैं एग्जैक्टली <laughs> <Exactly. laughs> तो, 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 तो देखो ये प्रिंसिपल और मैनेजमेंट खाली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड नहीं है ये तो घर पर भी है अभी हम देखेंगे तो रियल लाइफ में आपको बहुत जगह दिखेंगे अब जब आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि येस दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग घर पे मम्मी पापा भी तो मैनेज ही करते हैं बिल्कुल तो वहाँ पे भी यही चीज है वहाँ पे भी इट्स लाइक ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो आप अब नोटिस करोगे शायद ये पढ़ने के बाद आप थोड़ा नोटिस करोगे जी. कि हाँ ये चीजें तो हमारे घर पे भी हो रही है तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू बिजनेस और, और यहाँ पे हमारी जो शिक्षा है हमारी जो एजुकेशन है वो कनेक्ट होती है एनईपी ई पी से जब हम बात करते हैं अपनी स्टडी को प्रैक्टिकलिटी के साथ क्लासरूम से किताबों से निकालकर पर्सनल लाइफ में जोड़ने की प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि किस तरीके से हम सिर्फ किताबों तक वो सीमित नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों से कुछ समझ जाते हैं तो विषय को समझना भी आसान होता है क्यों मैम और इसी के साथ आपको बता दें जो थोड़ा लेट हमारे जो स्टूडेंट हैं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन की आज का जो हमारा एक घंटे का सत्र है ये चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ पर क्लास uh, ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के लिए है चैप्टर टू है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताने और समझाने के लिए जो विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं हमारे साथ है श्वेता मैम मिस श्वेता रिखी जो कि डीपीएस द्वारका गुरुगाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में बताने और समझाने के लिए तो कंटिन्यू टू फर्दर टॉपिक मैम राइट तो इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सो वॉट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको अभी बताया कि यूनिटी का मतलब है सिंगल सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वुड मीन दैट डायरेक्शन शुड बी सिंगल देर शुड बी अ सिंगल अलाइनमेंट एवरीबडी शुड भी फोकसिंग इन द सेम डायरेक्शन सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि सबका जो भी लोग काम कर रहे हैं देर शुड भी वन हेड एंड वन प्लान विच मीन्स कि सब लोग एवरीबडी शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन गोल इट शुड नॉट हैपन दैट सब लोग हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एवरीबडी इज यू नो वेरी सिंसियर वेरी डिलीजेंट बट अल्टीमेटली uh, अगर सब लोग अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कोई uh, उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है ठीक है सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विच मीन्स वन हेड वन प्लान राइट सो वी हैव डन दीज टू प्रिंसिपल्स दीज साउंड सिमिलर यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट अगर आप देखो तो यूनिटी ऑफ कमांड में हम बात करें कि एक कमांडर होना चाहिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वी आर सेइंग कि डायरेक्शन एक होनी चाहिए जिसका मतलब है कि जब भी हम कुछ भी आ, कर रहे हैं जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो सबका फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए एवरीबडी शुड बी फोकसिंग इन द सेम डायरेक्शन अलाइनमेंट सबकी एक ही जगह पे होनी चाहिए दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ओके तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अभी हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे थे मैम फिर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसको जब तक हम इस सारे पॉइंट्स को बच्चों को टू मेक देम अंडरस्टैंड तो एक तो खास बात आप लोगों के लिए कि सारे पॉइंट नोट तो करें पर साथ साथ समझें क्योंकि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को तो ऑब्वियसली वो हमारे ब्रेन में बैठती हैं इसके अलावा और अभी तक जो आपने बताया या पढ़ाया उसमें हम क्या क्या किन बातों का ध्यान रख सकते हैं वो मैं चाहूँगी क्या फिर हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएँ राइट right. देखिए सबसे पहले तो कन्फ्यूजन ही होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें वर्ड्स सिमिलर होते हैं तो एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या एक ही चीज़ है बिल्कुल एक चीज़ नहीं है ये बिल्कुल अलग अलग है क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि ऐसे में जैसे मैंने बोला यूनिटी का मतलब मतलब समझो यूनिटी मतलब सिंगल ठीक है कमांड मतलब कमांडर मतलब बॉस बॉस एक हो और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन एक हो सब लोग बहुत अच्छे हैं आपकी क्लास में सपोज अच्छा क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं लेट्स इमेजिन कि आपकी टीचर ने आपको बोला है कि क्लास का बोर्ड बनाना है अब क्लास का बोर्ड बनाना है उसमें बर्थडे चार्ट लगेगा उसमें टाइम टेबल लगेगा उसमें आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट लगेगी उसमें कितनी सारी चीज़ें लगेंगी है ना बट अगर और आप लोग सब बहुत अच्छे हो आप लोग सब ने बहुत अच्छा बनाया है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं थी आपके पास आपको कोई प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी तो क्या होगा अब हो सकता है कि क्लास में 20 बच्चे हैं बीस में से चार बच्चों ने बर्थडे चार्टे बना दिया अब देखो काम सबने बहुत मेहनत से किया सबने इतना अच्छा किया बट अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ उसका वो अल्टीमेटली कहीं पर आगे नहीं जा पा रहा है है ना तो ये एक प्रॉब्लम रह सकती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर मिसिंग है तो ठीक है तो अभी तक हमने पांच प्रिंसिपल्स किए हैं पहला था हमारा सबसे पहला था हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क जहाँ पे वी वर टॉकिंग कि जो वर्क है इट शुड बी डिवाइडेड यू नो अमंगस्ट डिफरेंट सेक्टर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एक जो लीडर है वो उसके पास सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं होनी चाहिए पावर ही नहीं होनी चाहिए उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए विच मीन्स ही इज़ आंसरेबल और शी इज़ आंसरेबल ऑल्सो It should not happen that the person is just, you know, having using or misusing, I would rather say, the power. Right. Okay. So, uske baad, uh, we have already done uh, uh, division of work, then authority and responsibility, and discipline also. And then, we I think we have discussed in detail unity of command and unity of direction. Right. But, what is the next point, ma'am? Right. Next point hai, subordination of individual interest. टू जनरल इंटरेस्ट सो subordination का मतलब क्या हुआ नीचे वेन हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, सब ऑर्डिनेशन मतलब जिस जो नीचे वाले लेवल पे आएगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस जो खुद का जो एक पर्सनल गेन है और जनरल इंटरेस्ट मींस जो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल का ऑर्गेनाइजेशन का गेन है सो जब भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा इस चीज में है बट एज एन एम्प्लॉयी मेरा फायदा किसी और चीज़ में है तो वॉट शुड प्रिवेल उस केस में हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड प्रिवेल आप सिर्फ अपने पर्सनल गिल के लिए काम नहीं कर रहे हो और यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो इट्स अ ड्यूटी दैट यू नीड टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है अगर द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग गुड सो ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो भी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं चल रहा है ठीक है आपको बेशक अभी अच्छी सैलरी मिल रही है सब अच्छा मिल रहा है कब तक होगा वो क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की, uh, की की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो अल्टीमेटली एक फॉल आउट आएगा और uh, जो एम्प्लॉय है वो भी सफ़र करेंगे तो जब भी ऐसा कोई डाउट होता है कि कहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट किस में अब अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो किस को चूज करें तो फ्यूल सेज़ दैट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज आउटवे द इंडिविजुअल कंसर्नस मैं कभी छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे देर इज अ पर्सन प्रोक्योरमेंट मैनेजर है एंड मे बी ही इज अ वन डील्स विद ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अब क्या होता है जनरली एक टेंडर ओपन होता है तो जिसका भी सबसे लोएस्ट प्राइस आएगा उसको टेंडर दिया जाता है उससे हम प्रोक्योर करते हैं लेकिन आ, हो क्या सकता है कि, कि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है हो सकता है कि जो उसका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है वो भी उसी चीज़ में डील करता है और वो उतने अच्छे प्राइस पे नहीं दे पा रहा है तो इस वक्त प्रोक्योरमेंट मैनेजर की ड्यूटी है कि वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स अपने रिलेटिव का या अपने फ्रेंड का बेनिफिट जो उसका पर्सनल बेनिफिट हम उसको मानेंगे वो ना देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखें So this is what is written or uh, advocated by Fiol in this sixth principle, right? So I think we are all getting through this. Here, picture cross where person is working for his individual goal, Beautiful. but tick mark is against that picture where the people are working, the personing, the persons are working for the overall organization, right? Now after this, I think we can move to the next one, which is रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय रेमुनरेशन मीन्स दैलरी द मोनिटरी ऑल दीज थिंग कम इन रेमुनरेशन जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो इन सबसे क्या होता है देखिए अगर रेमुनरेशन अच्छा मिलता है तो इम्प्लॉय फील्स मोटिवेशन मोटिवेटेड हैप्पी अच्छा लगता है कि ठीक है आई कंटिन्यू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन आई विल पुट इन माई ऑल माई हार्ड वर्क So, remuneration is something very, very important. When we are dealing with management, it's very important to understand that how the remuneration has to be paid. Fiol has never said that you have a lot of salaries do apne employees a lot of rewards. Do. It's not that way. But it should be just and equitable, it should match with the work that has been allocated. देखिए अगर आप कम सैलरी देते हैं तो अल्टीमेटली हो सकता है यू आर डूइंग एक्सप्लॉयटेशन यू बिकॉज द यू नो दैट द इम्प्लॉइज आर नॉट हैविंग एनी अदर चांस आउटसाइड तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल एक्चुअली इफ इफ आई एम वेरी ब्लंट सो इट्स एन एक्सप्लाइटेशन राइट बट आप कम सैलरी मत दो और ये भी नहीं कह रही फू ऑल कि आप बहुत ज्यादा सैलरी दो क्योंकि उसका मतलब है कि आप हमें रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो ठीक है वो रिसोर्सेज जो विच कुड हैव बीन यूज इन अ बेटर प्रोडक्टिव मैनर समवेयर एल्स यू नॉट जस्ट वेस्ट देम जस्ट टू प्लीज योर इम्प्लॉयज राइट बट टू एक्चुअली प्लीज योर इम्प्लॉयज और एक्चुअली टू मेक देम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेमुनरेशन ऑफ द इम्प्लॉयज मैच विद द वर्क विच हैजी एलोकेटेड टू दैम ठीक है तो ये है रेम्युनरेशन का प्रिंसिपल कि uh, इतना और अगर आपको देखना है कि क्या एक राइट रेमुनेशन होगा तो वी कैन टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव सैलरीज जो हो सकता है आपकी कॉम्पिटिशन में सैलरीज मिल रही है एक्टली वही आपको सैलरीज देनी चाहिए बट दैट कैन बी टेकन एज ए रेफरेंस राइट सो दिस वॉज अबाउट रेमुनरेशन ऑफ इंप्लॉयज नाउ नेक्स्ट वी शेल मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिस वॉट इज सेंट्रलाइजेशन व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन पहले हमें ये समझ में आना चाहिए ताकि हमें ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर इज सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज मीन्स सारी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड यू नो इन वन एट वन लेवल सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास है एंड डी सेंट्रलाइजेशन मीन्स जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है एट डिफरेंट लेवल्स अलग अलग लेवल पे ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारे आस पास सपोज आपके घर के पास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे मे बी कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं बट एक्चुअली जो मैनेजर है वो आप क्या देखते हैं एक ही मैनेजर होता है कि एक से ज्यादा मैनेजर होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में सिंगल मैनेजर सिंगल मैनेजर वाई बिकॉज इज अ स्मॉल आउटलेट जहाँ पे एक सिंगल मैनेजर कैन यू नो मैनेज द एंटायर कंसर्न बट इफ वी टॉक अबाउट अ बिग कारपोरेट हाउस वहाँ पे इट वुड बी Not a very wise decision to have only one person sitting at the top and taking decisions for all the different things but he is bothered so he will not be able to take uh, you know the decisions uh, which are vital for the organization so Ab. यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं फ्योल कहते हैं कि जनरली तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है ठीक है एक छोटी में सेंट्रलाइजेशन वुड बी बेटर लेकिन फ्योल सेज दैट अ बैलेंस नीड्स टू बी मेन्टेन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन इवन इन केस ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन वे डिसट्रलाइजेशन इज बींग फॉलोड एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज सेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है या फिर हम बात करें जहां पे भी कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं तो वहां पे इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो द सेंट्रलाइजेशन अप्रोच एज कम्पेयर टू यू नो द रूटीन काइंड ऑफ डिस द रूटीन काइंड ऑफ डिस कैन बी डेलीगेटेड फर्दर एट लोअर लेवल्स लेवलो सो दैट द मैनेजमेंट इज ऑक्यूपाइड ओनली विद द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स रादर देन यू नो टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग वट एवर इज द ऑर्गेनाइजेशन राइट So, now after this, we will move to the next one which is scalar chain. Now, in this uh, picture which is attached, in this diagram which is attached, we can see that uh, there is a level of hierarchy. Can you tell me who is at the top level of hierarchy? A. राइट oh, बॉस right. है जो मैनेजमेंट है टॉप uh -huh. लेवल right. so, और ए के नीचे आप देख सकते हैं एक साइड पे बी सी डी है एक साइड पे ई एफ जी है FG. तो ये एक हरारती का चेन है और इसी चेन को हम बोलते हैं स्केलर चेन तो जो कम्युनिकेशन होता है आइडियली एज पर वॉट फ्यूल एडवोकेट दिस इज बींग सीन इन द पिक्चर ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन भी ऐसे ही फ्लो होनी चाहिए ठीक है ठीके? जैसे अगर डी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है बी को या डी को कुछ रिपोर्ट करनी है बी को तो डायरेक्टली बी को ना करके डी विल रिपोर्ट टू सी एंड सी विल रिपोर्ट टू बी एंड इन केस इट हैज गो फर्दर इट विल गो फ्रॉम डी टू सी टू बी टू ए आप कभी भी इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे राइट दिस इज वॉट फ्योल सेज़ बट जब मैं कहती हूँ कि कभी भी नहीं तो ऐसा नहीं कि एक्जैक्टली exactly कभी भी नहीं देर आर एक्सेप्शन कई बार इमरजेंसी होती है समटाइम्स देर इज एन इमरजेंसी तो उस केस में हो सकता है डी इज इन इज इज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट राधर से इफ डी इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि देर इज अ डिप इन द सेल्स किसी भी रीजन की वजह से तो अब डी का uh, को एक कंसर्न है कि अगर सेल्स कम हो रही है तो एटलीस्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड नो अबाउट इट अब डी को लगता है कि अगर मुझे जी को बताना है ये चीज़ कि अभी प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर सकते हैं या फिर वी कैन फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स रादर देन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू नो वेर द सेल इज अ लिटिल फॉलिंग तो उस केस में अगर डी गोज थ्रू द फॉर्मल चेन थ्रू द स्केलर चेन डी टू सी टू बी टू ए टू ई इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड देर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक चुप प्रॉपर uh, चैनल है उसको फॉलो करना है पर सिचुएशनल भी वेरी करता है राइट अकॉर्डिंगली राइट किस तरीके का कब वाइस डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और द सिचुएशन राइट राइट तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उस केस में डी कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली जी इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक आप देख सकते हैं येलो लाइन जी तो उसके Gank वो जो गैंग प्लैंक राइट द नेम इज लिटिल फनी बट दिस इज द वर्ड विच हैज बीन रिटर्न इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो गैंग प्लैंक इट मींस दैट अ प्लैंक एक प्लैंक ड्रॉ कर दिया गया है बिटवीन डी एन जी तो जो सेम लेवल ऑफ हरारकी में है वो डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बट वी शुड रिमेंबर दैट दिस चेंज शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सेप्शनली येस या कभी कोई अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड द कंपनी wants टू ग्रैब इट ठीक है तो उस केस में आपको अगर सपोज अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो सेल्स के चांसेस अच्छी हैं और आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बताना है कि सेल्स तो कि हमको थोड़ा सा प्रोडक्शन को अपलिफ्ट करना पड़ेगा तो उस केस में भी वी कैन गो अहेड विथ गैंग प्लैंक राइट सो दिस वॉज द केलर चेन ऑफ

बहुत सारी चीजें बहुत सारे एलिमेंट हैं okay. जो आ, समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम okay. लग रहा है दिन जो दूसरे पिक्चर है जिसमें टिक मार्क है वो क्लैरिटी है उसमें क्लटर okay. नहीं है मैं अभी इतना ही समझ पा रही हूँ एक क्वेश्चन और इसमें मुझे ये बताइए आपको एक ऑफिस

आप काम भी अच्छे से कर सकते थिंग एंड एवरी थिंग शुड बी इट्स राइट प्लेस एक सिंपल सी चीज है घर पे भी मम्मी बोलती हैं कि बेटा हर एक चीज की जगह बनाओ आप अगर स्कूल से आते हो तो बैग यहां वहां रखने से अच्छा है आपका जहां पे एक एलोकेटेड स्पेस है वहां पे बैग रखिए। क्योंकि अगर आपको कोई बुक चाहिए तो पहले आप ये नहीं कि पहले आप बैग ढूंढोगे फिर आप बुक ढूंढोगे अगर वो एक राइट right प्लेस पर रखा है तो थिंग्स विल विल बी बी लाइफ लाइफ सॉर्टेड एज वी से इट राइट तो दिस इज एप्लीकेबल अगेन इन रियल आपने also. अगर कोई भी चीज सही जगह पे रखी है तो ऑब्वियसली आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी आपको पता है वो वहां रखे है? आप आराम से आ जाएंगे आप सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं आपको कार की कीज नहीं मिल रही है अब वो नहीं मिलेंगी अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो क्योंकि अगर आपने वे

पढ़ाने के लिए आ, हमारे साथ हैं श्वेता मिस श्वेता रिखी मैम जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से हमारे साथ यहाँ पर आई हैं आपको इस टॉपिक को बताने और एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी क्वेरीज आपकी है तो सेशन के दौरान लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मैम हॉल राइट थैंक यू तो अभी हम वापस ऑर्डर पे ही आते हैं तो ये ऑर्डर प्रिंसिपल तो चलो बाद में समझते हैं पेरेंट्स आई थिंक विल ऑल्सो भी हैप्पी कि एक टीचर ये भी समझा रही है क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी एसेंशियल इन डेली लाइफ ऑल्सो अब फ्यूल भी यही कहते हैं देखिए आपके इतने बड़े मैनेजमेंट थिंकर हैं तो यल्सो सेज द सेम थिंग कि हर एक चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और जब आपने एक जगह बना दी तो हर एक चीज़ उस जगह पे ही होनी चाहिए राइट इससे क्या होता है जो एक अनऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है तो द थिंग्स बिकम ईजीयर टू बी डन और ये सिर्फ चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है इट इज़ फॉर पीपल ऑल्सो सो वेन आई से इट इज़ फॉर पीपल ऑल्सो इट मीन्स दैट राइट पीपल शुड बी गिवन द राइट रोल्स राइट इट अगर आपको पता है एक पर्सन इज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग सो इट वुड बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन टू पुट हिम इन

मैनेजमेंट के लिए भी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उसकी ग्रोथ के लिए राइट राइट एब्सोल्युटली राइट नाउ आई मूव टू द प्रिंसिपल इक्विटी नाउ इक्विटी आपको क्या लगता है क्या होता है इक्विटी अपने जब हम बिल्कुल इक्वल वे से um, इम्पॉर्टेंस देते हैं राइट right. चांस देते हैं लोगों hmm. को अगर हम बिजनेस स्टडी की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की hmm. बात कर रहे हैं तो जैसे परिवार में कहते हैं कि सबको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए hmm. uh, आगे बढ़ाना चाहिए सेम थिंग अप्लाइज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल ऐसा बहुत बहुतों को लगता है लेकिन आपने परिवार की बात की तो मेरे दिमाग में एक बात आई है अभी अगर आपकी फैमिली में यू uh, नो you know, आप हैं आपके हस्बैंड हैं आपका छोटा बच्चा है ठीक है आपके आपका एक चॉकलेट है आप किस को देंगे वो चॉकलेट अपने हस्बैंड को या बच्चे को एज एन पेरेंट्स तो पहले बच्चे को दी जाए है ना तो इक्वली नहीं है है ना तो एक, आपको मैं पहले एक और स्लाइड दिखाती हूँ जस्ट uh, okay. uh, yes. ये जी ये स्लाइड आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं है ना यहाँ पे पिक्चर में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ एक डिफरेंस है इक्वालिटी एंड इक्विटी सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है अगर मैं लेफ्ट साइड की पिक्चर स्क्रीन uh -huh. से लेफ्ट की बात करूं तो सेम uh प्लेटफॉर्म -huh. uh, है और अगर इक्विटी की बात करूं राइट uh, साइड right तो चा uh, so, या जो प्लेटफॉर्म uh -huh. है वो different. किसी को ज्यादा और किसी को कम मिला डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जैसे आपने कहा कि चॉकलेट है वो बच्चे देंगे उसको क्रेविंग ज्यादा होगी शायद ठीक है इक्विटी और इक्वालिटी सेम नहीं है एक जैसा लगता है सुनने में बट ये सेम नहीं है आप देखिए इक्वालिटी Uh, है जो पिक्चर हम देख रहे हैं जहाँ पे सबको एक जैसे ही रिसोर्सेज मिले हैं लेकिन एक्चुअल लाइफ में uh, हो सकता है हम रिजर्वेशन की भी जो बातें करते हैं अगर हम बात बिल्कुल. करें तो उस केस में भी हमें लगता है कि कुछ uh, ऐसी कैटेगरीज है जो थोड़ी सी बैकवर्ड है तो इसलिए उनको थोड़ी रिजर्वेशन दी जाती है सो दैट दे और ऑल्सो यू नो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेन स्ट्रीम तो दैट इज इक्विटी इक्वालिटी तो सबको बराबर मिल जाएगा तो यहाँ पे हम बराबर की बात नहीं यहाँ बात करें व्हाट इज जस्ट एंड फेयर तो दिस इज आई होप इक्वालेलिटी और इक्विटी में डिफरेंस तो हम सबको क्लियर हो गया होगा सो लेटर्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल इक्विटी विच वॉज गिवन बाय हैंनरी फ्यूल सो दिस प्रिंसिपल सेज दैट एवरीबडी शुड बी यू नो ट्रीटेड विद फेयरनेस काइंडनेस एंड देयर शुड बी जस्टिस देयर शुड भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन सो ये सब नहीं होना चाहिए तो so, आजकल हम देखते भी है कि बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी या कॉरपोरेट में भी विमेन um, के लिए भी सीट्स रिजर्व है और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए सीट्स रिजर्व है इवन द टॉप नॉर्थ पोजिशन आर रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन सो दैट इज बेसिकली फॉलोइंग फॉलोइंगीटी राइट सो दिस वॉज द इलेवंथ प्रिंसिपल नाउ लेट एस मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल अगेन ए क्वेश्चन आपको लगेगा मैं आप ही से क्वेश्चन पूछी जा रही हूँ बार बार बट एक क्वेश्चन सपोज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है आपके पास दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन है कि आपको पता चला है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं जॉब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पर तो लोग 10 साल 15 साल से हैं वहीं पे वहीं पे जॉब कर रहे हैं आपकी इंक्लिनेशन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होगी Uh, ये बहुत ही स्वाभाविक है बहुत ही नेचुरल है कि uh, ये बात ज़रूर सोचने समझने वाली होगी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक लंबे समय से जुड़ा है तो ज़रूर उसको uh, उसकी ग्रोथ हो रही होगी वो उसमें सेटिस्फाइड होगा right. उसके जो राइट्स हैं वो ये बहुत ही ऑब्वियस वेरी ऑब्वियस राइट तो यही तो बोला फ्योल ने भी इज इज नो नो डिफरेंस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिफरेंस इन व्हाट इज एडवोकेटिंग हम एक्चुअली भी देख रहे हैं कि यही तो हो रहा है कि इम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि देखिए इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग द इम्प्लॉयज हैप्पी आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कितना टाइम लगता है आप पहले रिक्रूटमेंट करते हैं सिलेक्शन करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं exactly. और जब सब कुछ हो जाते थे रिसोर्सेज आपने उन पर लगा दिए फिर आपको समझ में आते है तो वेस्ट हो गए क्योंकि उस एम्प्लॉई ने कहीं और ज्वाइन कर लिया राइट तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैनेजमेंट के लिए है, राइट ये राइट ग्रोथ uh, के ग्राफ में एक बहुत ही की फैक्टर है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉयर की तरफ से अगर रिसोर्सेज बहुत सारे बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं तो उस तो ग्रोथ आपने बोला तो ग्रोथ दोनों की इंप्लॉइज की भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन को इन्श्योर करना चाहिए हर मैनेजमेंट को मैं अगेन रिपीट कर रही करी हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट कैसे चले किन सिद्धांतों पे चले तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि लोग अननेसेसरीली छोड़ के ना जाए अगर छोड़ के जा रहे हैं तो मैनेजमेंट शुड प्रोब प्रो इट कि क्या प्रॉब्लम आ गई है क्या दिक्कत है कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा उस गैप को कवर करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये Uh, उस ऑर्गेनाइजेशनल के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हैव द वर्क फोर्स और द पर्सनल आर देयर बींग स्टेबल देयर राइट उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इनिशिएटिव मीन्स नए नए आइडियाज नोवेलिटी सो इनिशिएटिव फ्रॉम द इम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी एनकरेज वी नो दैट द पॉलिसीज द प्लान्स these are all laid down by the top level management they are sitting in their offices and you know by their uh, experience by their trend analysis they are making all their plans but ek iske vich ek aur reality hai ki wo worker jo ground पे काम कर रहा है जो ground level पे काम कर रहा है उसको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे gaps है और gaps को कैसे cover करना है ठीक है तो ये चीज़ management को accept करनी पड़ेगी कि the

अगर कोई uh, अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं तो उनको एनकरेज करो उनको रिवॉर्ड करो अगर कोई इनिशिएटिव किसी ने दिखाया कोई सजेशन दिखाई और वो सजेशन एक्चुअली फ्रूटफुल है तो उस केस में उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए सो so दैट बाकी इम्प्लॉयज आर ऑल्सो एनकरेज वो भी नए नए आइडियाज़ ले लेके आए बिल्कुल और जिस वन मोर थिंग मैम ऑटोमेटिकली वो पर्सन वो एम्प्लॉय कनेक्शन फील करेगा right. कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ राइट ओके ये मेरी कंपनी है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो Yes, yes, क्योंकि अगर हमने जो जहां से स्टार्ट किया था पॉइंट कि से डील कर रहे हैं तो वो जो एक बोला तो hmm. चाहिए ही चाहिए हमें। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलना है तो उसके इंप्लॉयज खुश होने चाहिए उसके इंप्लाइज अच्छे से काम करें और अच्छे से काम करने के लिए हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे रेमुनरेशन भी उनमें से एक था स्टेबिलिट ऑफ इनिशिएटिव भी है इनफैक्ट सभी प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं है वो दोनों से कंसर्न हो रहे हैं बट हाँ ये प्रिंसिपल्स फॉलो मैनेजमेंट कोई तो अब इसके बाद आई वु यू मस्ट भी थिंकिंग बड़ा ऑड सा वर्ड लग रहा है ही नहीं ठीक है दिस इज अच वर्ड तो इसका वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इट मीन फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट Care and support for each other. Basically, we're talking about teamwork or team spirit. So, esprit de corps. Because, see, why this French word? If uh, you remember, initially I told you that uh, uh, Mr. Henry Fiol he was a French mining engineer. So, since he was French, maybe because of that reason, this principle has been included here. So, but it means in simple English words. If I say it means teamwork team and team spirit. That should be always promoted by the. Uh, management, because if the employees are united, they will be able to give better work. Whenever manager speaks, instead of saying "I will do this," he will, he should always say "We should do this," because that would again, as you said, it will instill a sense of belongingness amongst all the employees towards the organization. And uh, happy employees, happy organization. Right? Needless to say this so this will give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members it will also minimize the need of using penalties discipline the third principle but other uh, you know employees are working together there might be times that one employee is not able to render uh, you know, the efficiency as is expected because of maybe the health issue or something else. But in case they are working in a team, so other people can compensate for the loss of work, right, which was actually supposed to be done by that particular person. So, this team spirit will also obviously minimize the need for using penalties. So, with this, we have uh, done all the principles of management. We have 14 principles of management as reflected on your screen. Right? So, Abhi, um, the principles are done, but ma'am, um, before the end of the session, I would like to share something which is uh, very close to my heart. Beautiful. I explained these principles in my class to my students, and uh, you know, there was a very creative and a very different kind of unconventional kind of perspective which was shared by my students. Okay. So, I would like to share it with you. Sure, ma'am. Uh, there are two uh, movies, Bollywood movies, I am referring to. One was Lagan and De India. I think these are very popular movies, and almost everybody amongst us must have seen these movies. So, um, in these movies, there were two leaders. In the movie Lagan, we had the leader uh, Bhuvan, uh, the protagonist, who uh, you know challenged the British to a cricket match and finally, uh, you know, won the match, also uh, taking the entire village together and then the other movie was chugde india in which kabir khan who was the coach for indian women's hockey team he actually got a very underperforming kind of team and the story uh, you know revolves around how that those underperformers uh, turned into champions right so let us See whether these principles are actually applicable uh, in real life also. I am talking about real life because uh, these movies, uh, which actually uh, depict certain characters, so the, my students could de uh, clearly draw parallels to concepts like division of work through these movies so let us just quickly understand because i think this will be more engaging for students because they can understand that yes this is not just confined to textbook it's not just a textbook material that has to be learnt and studied but हमने पहले भी डिस्कस किया यहा हम अपने परिवार में भी देखते हैं और ये हर जगह देखो मूवीज में भी तो रियल लाइफ स्टोरीज के आसपास से कुछ बिल्ड हुआ होता है उसमें भी आप सब सब प्रिंसिपल्स देखोगे अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो जो लगान मूवी थी उसमें देर वॉज अ करेक्टर भूरा इफ यू रिमेंबर दैट द चिकन सेलर तो ही वॉज वेरी गुड इन कैचिंग बिकॉज हिज वर्क वॉज दैट वे तो उसको कैच वाला उसको वो वाला टास्क दिया गया था एंड कचरा हैड अ वेरी यूनिक स्पिनिंग डिलीवरी सो ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ बोलिंग And then there, was, there were characters like Arjun and Laka who were basically manual labourers. So they were very strong, right? So their physique was very strong. So they were given the task of batsmen. Then there was one Ishwar Kaka, team doctor, because he was elderly, he was knowing about so many things. So he was given the task of team doctor. Similarly, in the other movie Chagde India also, uh, different roles. Some, were given the, some players were given the role of uh, defenders, midfielders, and forwards. So what is this all? This is a division of work. Isn't this what the leaders uh, were doing in the movies also? The protagonists were doing the same task in the movie also, right? And then, if we talk about authority and responsibility. अगेन आई रेफर टू दीज टू मूवीज ओनली बट यू कैन एक्चुअली आपको दिखेगा कि हाँ ये तो बहुत जगह जहाँ पे भी लीडर की बात करते हैं कि सारे प्रिंसिपल आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ग्लिम्स जरूर दिखेगा अथॉरिटी एंड की बात करें तो जो भुवन द लीडर uh, जो था, था मूवी का उसने अथॉरिटी से सबसे देखो दे वॉज अ पर्सन इफ यू रिम्बर देर वॉज अ पर्सन हु वॉज ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द इन द विलेज बट उसने अथॉरिटी से उसको टीम में इंक्लूड करवाया और फिर उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि वी विल इंश

भुवन भुवन एंड हुयर इन चक द इंडिया कबीर खान कबीर खान सो ये आई थिंक हमें ज्यादा अच्छे से याद रहे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करूं लगान मूवी में सबके डायरेक्शन एक ही थी गोल एक ही था क्या था वो गोल गोल था कि हमें एज वॉज रिटर्न इन सेट इन द मूवी नो लगान फॉर थ्री इस तो सबका गोल वही था कि तीन साल तक कोई लगान नहीं देना है उसके लिए हम सबको इसी डायरेक्शन में काम करना है कि हमको मैच जीतना है उसके लिए जो भी हमारा रेजिमेंट बनेगा हमको फॉलो करना है एंड द सेम थिंग वॉज देयर फॉर चक द इंडिया देन सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सब ने अपना अपना नहीं उन्होंने पूरा आ, लगान में पूरे विलेज के लिए सोचा बिल्कुल ये मैम बिल्कुल पूरी उस तरीके से रख रहा <laughs> जो मैनेजमेंट के आ, जो रूल्स जो चीजें आप अभी एक्सप्लेन कर right. रहे हैं ऑल मैनेजमेंट की ये कंप्लीटली एप्लीकेबल उस पे होती हुई exactly. दिख रही और बहुत अच्छे से आप रिलेट करके हमारे बच्चों को बता रहे हैं एक्जेक्टली exactly. तो यस अब ये चक दे इंडिया में यही था दे वर वर्किंग फॉर द टीम दे वर प्लेइंग फॉर द टीम ठीक है अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल ले जाते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन अगर चकदी इंडिया में देखोगे तो इंडियन हॉकी फेडरेशन थी hmm. जिसने कोच चूज किया था और प्लेयर्स चूज किए थे टीम सेलेक्ट की थी बट उसके बाद उस टीम में हर एक प्लेयर कैसे खेलेगा किस पोजीशन uh, पे खेलेगा वो सब कोच ने डिसाइड किया था डिसेंट्रलाइज तो 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 हुआ ऐसा नहीं कि सारी पावर सिर्फ इंडियन हॉकी फेडरेशन के पास थी उन्होंने सिर्फ

तो रेमोनेशन की बात करें तो ऐसा कोई uh, किसी को कोई सैलरी या कोई अवार्ड नहीं मिला था लेकिन रिवॉर्ड जरूर था दे हैड अ रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्योंकि अगर हम बात करते हैं लगान में तो वहाँ पे उनका लगान माफ कर दिया गया था चक दे इंडिया में उनको वो नेशनल ग्लोरी पर्सनल फुलफिलमेंट नेशनल प्राइड सब मिला था तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly वो रेमोनेशन ऐसा नहीं कि देखिए सारे प्रिंसिपल्स हर जगह एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं लेकिन हर एक जगह एक ग्लिम्स तो आ ही रहा है राइट तो आई एल मूव टू द नेक्स्ट वन स्केलर चेन तो यहाँ पे भी एक हैर की थी जो लोग हैं वो अपने लीडर से बात करते थे और चक दे इंडिया में भी एक हैर की थी सबसे सब ऊपर कोच था कुछ सीनियर प्लेयर्स थे कुछ न्यू प्लेयर्स थे तो एक हर की यहाँ पर भी मेंटेन थी एंड ऑर्डर येस ऑर्डर मीन्स कि हर एक चीज़ एवरी यू नो ऑल द थिंग्स शुड हैव Uh, right place and they should be placed in that particular place only so yaha uh, position C specific position see specific you know ex-structure training ka so everybody was following every player was knowing what is his uh, what was her role in the team so they were playing accordingly then comes क्विटी राइट सो इक्विटी में देखा उसको भी हम आजकल बात करते हैं टर्म यूज करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली तो यहाँ पे वो जो इंक्लूसिवनेस थी वो यहाँ पे भी थी तो उसको भी ट्रीट किया गया जस्ट एंड फेयर वे से एंड ही वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टीम बिकॉज अल्टीमेटली ही वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द ओवरऑल टीम राइट So, yeah, so and very Chhakti, well explained, <laughs> India maybe. Uh, the teams, uh, jo players the players, they were from different places, somebody was from Chandigarh, in, if you remember the first initial uh, phase of the movie also, so, mm -hmm. so diversity was made, uh, right, was the course event. said that you are not from, uh, you know, from uh, uh, South uh, India, you are not from South India or from Punjab or from this and that place. You are from India. So basically, they are all working together. So that kind of equity has to be developed everywhere, be it in uh, real-life corporate structure, in schools, at home, in movies, in stories that you read, everywhere, everywhere right. in the society, in fact. Right. So then comes stability of tenure. So again, this was not a business uh, structure as such, but ha, uh, team made the, everybody was working together. राइट देव सो हर एवरी विलेजर इन लगान मूवी हर पर्सन ने इनिशियटिव लिया अपने रोल के लिए सब ने भूरा ने सबको कैचिंग सिखाई कचरा ने बोलिंग सिखाई खुद भी की तो ये सब चीजें यू नो आर देर एवरीवेयर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो हम बात करते हैं राइट राइट कनेक्टिविटी राइट एस्प्रित्स नीडलेस टू सी ये तो शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए कि ये तो एक्चुअली सब जगह फॉलो हुआ ही था देवर ऑल वर्किंग लाइक ए टीम मुझे एक बात याद आई जो शायद मिस हो गई अभी अगर आपको याद हो चक दे मूवी में देवर टू प्लेयर्स यू नो थ्रू आउट द मूवी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता था उनके पीछे कोमल चौटाला एंड प्रीति सबरवाल सो देवर ऑलवेज इन टू लाइक दे बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू ब टॉप स्कोरर्स और अल्टीमेटली मूवी में टूवर्ड्स एंड वी सो ऑल्सो कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिफ्ट दिख रहा था उनके बीच में लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ दे वर्क एजी एंड ऑफ इंडिव्यू जेनरल इंटरेस्ट फॉलो हुआ उन्होंने किसमें यही उनको उनके मैनेजर उनका जो कोच था उन्होंने सिखाया और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जेनरल इंटरेस्ट वॉज प्रोफाउंडली फॉलोड एंड अल्टीमेटली गॉट इन दैट पर्टिकुलर मैच राइट यस मैम

these principles are very much alive in the real world around us so we can see that uh, there was a beautiful blend of these theoretical uh, principles which were laid down by um, you know uh, fuel and actually the implications are also done in uh, in the नो रियल लाइफ ऑल्सो बिल्कुल और बहुत अच्छे से हमने भी uh, डिस्कस करके बीच बीच में रियल लाइफ से इसको कनेक्ट किया हमारे जो uh, शिक्षक मित्र ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं um, uh, मुझे आई एम डैम श्योर आई एम हंड्रेड्रेड परसेंट श्योर यू वेरी वेल एक्सप्लेन यू मैम यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल उसको एग्जाम्पल्स दे के समझाया थैंक यू सो मच मैम आपने टाइम निकाला आए हमारे बच्चों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्लेजर वॉज ऑल माइंड एंड आई होप Uh, जो भी इंसाइट शेयर किए तो वो अगर आपके लिए यूजफुल होंगे अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल याद रहे और आप उसमें से प्रिंसिपल uh, को यू नो यू कैन रिकॉल दैट प्रिंसिपल सो द वर्क इज़ डन और साथ ही साथ हम आपको हम चूंकि क्लास ट्वेल्व के हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम पास कर लेना नहीं right. है पर्टिकुलर फील्ड में चले जाना नहीं है बल्कि ये भी है कि हम उस शिक्षा से खुद भी कितने शिक्षित हो रहे हैं हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं तो डाट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और right. हम right. तो बिजनेसेंट hmm. बोलूंगा तो exactly. हमने स्टार्टिंग में किए थे लेकिन हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की भी कि क्या ये सिर्फ एक बुकिश नॉलेज ही है सिर्फ याद करना है तो पड़ेगा उसके बाद कोई यूज नहीं है नहीं यूज है आप देखो तो आप कोई स्टोरी पढ़ते हो अगर आप कोई मूवी देखते हो आप अपने रियल लाइफ जैसे आप प्ले ग्राउंड में जाते हो अपने सब खेलते हो तो वहां ये एप्लीकेबल है तो दिस बेसिकली रियल लाइफ एप्लीकेशन राइट सो दिस आई वुड से सेंचुरी बट are strong pillars today also the management is actually using these uh, principles in today's context also and i would say that these principles offer guidance not only for surviving but for thriving in the role of manager well said ma'am well yeah. said once again thank you so much ma'am thank you so much for inviting me और इसी के साथ अभी के लिए तो इस सेशन में इस टॉपिक में इतना ही लेकिन कुछ खास बातें चलते चलते आपके साथ आपके लिए और वो ये कि रोज़ सुबह हमारे जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत होती है सबसे पहले सुबह आठ बजे हमारे योगाभ्यास के योग के कार्यक्रम के साथ और इसके अलावा बारह बजे भी हमारा लाइव जाता है टीचिंग लर्निंग इंटरव्यूजन का और साथ ही दो बजे से लगातार हर एक दिन अलग अलग क्लास अलग अलग विषय के हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आते हैं और क्लास सिक्स टू ट्वेल्व के अलग अलग सब्जेक्ट पे आपके जो हैं से, लाइव सेशंस से हैं वो होते हैं शाम को पाँच बजे जो हमारा खास कार्यक्रम होता है सहयोग का आ, कि किस तरीके से हम आ, आ, एक दूसरे का सहयोग करके समाज को और ज़्यादा विकसित करें आगे बढ़े तो ये अलग अलग कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं तो इन लाइव सेशंस को देखते रहिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ शनिवार के जो हमारे सेशंस होते हैं वो होते हैं एक घंटे का सत्र क्योंकि वो हमारे बड़े बच्चों के लिए होता है साथ ही साथ जो शुक्रवार है फ्राइडे को भी हमारे बहुत सारे स्पेशल सत्र होते हैं तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए एन सी ऑफिशियल पर भी ये लाइव दिखाए जाते हैं साथ ही ई विद्या चैनल वो चैनल जिस क्लास का जो सेशन है वो है तो आप देखते रहिए अपना बहुत ख्याल रखिए प्रसन्न रहिए अभी के लिए सेशन में इतना ही नमस्कार